हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज हम चने की दाल से नमकीन बना रहे हैं, चटपटी। देखिए, मैंने यहाँ एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी दाल, चने की दाल ली है। दाल बोलते हैं उसको, अच्छे क्वालिटी के हैं और आपको जितनी बनानी है उस हिसाब से ज़्यादा कम ले सकते हैं। और मैं इसको इस बर्तन में डाल के और इसको भर के ढक के रख देती हूँ 6 घंटे के लिए। पानी डाल के 6 घंटे के लिए भर के रख देती हूँ ढक के। देखिए, 6 घंटे हो गए हैं और अपनी दाल अच्छे से फूल गई है। अब इसको अच्छे से धो लेते हैं। जब तक इसका पानी बिल्कुल साफ नहीं आएगा तब तक धोना। ये देखिए, चिकना ही रहती है। मार्केट की तौल में थोड़ा बहुत रहता है ना, तो इसीलिए से अच्छे से साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं। देखिए, मैंने 3-4 बार धो ली है अच्छे से। देखिए, पानी का भी कलर चेंज हो गया है और हाथ से देखिए तो पानी में भी कोई चिकनाई नहीं रही है। और ये बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल मार्केट जैसी बनेंगी। और इसको मैं इसमें छान लेती हूँ। देखिए देखिए, अब इस चने की दाल को मैंने टॉवल पे डाल दिया है। अगर आपको लगता है तो थोड़ा सा आप पंखे में छोड़ सकते हैं, पर मैं धीरे धीरे इसको जितना सुखा सकती हूँ कपड़े की मदद से ही सुखा लेती हूँ, इसका पानी निकाल लेती हूँ। देखिए, मैंने अच्छे से पोंछ ली है। अब मैंने तेल गरम करने रख दिया है। या तो आप ऐसे करके कढ़ाई में डिप करके इससे भून सेक सकते हैं, पर मैं डायरेक्ट ही कढ़ाई में डाल के सेकूँगी क्योंकि मुझे देसी स्टाइल ही ज़्यादा पसंद है। मैं इसको देखिए, देखिए तेल गरम हो गया है और बिल्कुल कैप खुली डाल देंगे। देखिए कितने अच्छे से भून रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं, मतलब थोड़ा सा इनमें पानी रह गया है अभी, अच्छे से नहीं। जैसे ही बबल्स ख़त्म होती हैं समझ लीजिए कि अपनी दाल पक चुकी है, अभी नहीं हुए हैं, अच्छे से पक लेते हैं। मीडियम आँच पे ही सेकना है इनको अच्छे से, इससे अच्छे तक अंदर तक अच्छे से पक जाए, भून जाए और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसी नमकीन बनेगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बबल्स ख़त्म हो गए हैं, मतलब भून गई है। अब इसको केयरफुली अच्छे से निकाल लेती हूँ मैं एक बर्तन में। दूसरी बार भी अपन ऐसे ही सेक लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं इनको। कलछी चलाते हुए भूनना है। देखिए, मैंने सारी नमकीन को सेक लिया है और अब इसमें ऐड करने रह गया है मसाला, जो हम गरम में ही ऐड करेंगे। इससे क्या है, अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। मैंने हींग और भुंजे जीरे का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर थोड़ा सा, देखिए काली मिर्च का पाउडर, रेगुलर नमक, काला नमक, चाट मसाला, अमचूर पाउडर। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से और थोड़ी देर ठंडा करने के बाद फिर से चेक कर लेंगे कि देखिए ठंडी हो गई है। और निकालते हैं, देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, बहुत ही अच्छी। देखिए, मैं एक सर्व कर लेती हूँ एक प्लेट में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।